नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे बलिया। बलिया जनपद के सहतवार में आयोजित स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह के 17वीं पुण्यतिथि में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सपा बसपा गठबंधन को बेमेल गठबंधन बताते हुए कहा कि एक ने पिता को तो दूसरे ने पार्टियों के साथ धोखा दिया है। शिवपाल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में न ही देश सुरक्षित है न ही सीमाएं। तो पिटेंगे किसने कहा था सो समझो। प्रोफेसर साहब ने कहा, वो नेताजी को बताने लगे। देखिए, जो ये गठबंधन हुआ है बेमेल गठबंधन है और इन दोनों का कोई भरोसा नहीं। देखिए, मैंने स्पष्ट अभी किया था कि अखिलेश ने तो नेताजी को धोखा दिया, मायावती ने भी धोखा दिया, कई बार धोखा दिया और कई बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सरकार बना चुकी है। तो इन जब लोगों का, ये धोखेबाज लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ मिल जाए। तो जिन्होंने क्या कहा, अच्छा देखिए, उस समय हमने विधानसभा में भी, हमें लीडर पोजिशन था, विधानसभा में भी मैंने कहा था कि जांच हमारी भी हो जाए, लेकिन मेरी शर्त है कि जांच मुख्यमंत्री जी की होना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ नार्को टेस्ट करा लें, हमारा भी करा लो और उनका भी हो जाए, दोनों का हो जाए। कौन भारतीय जनता पार्टी से मिला है, कौन ने धोखा दिया है, कांग्रेस को धोखा दिया है, लोगों ने सबको धोखा दिया है, ये धोखेबाज लोग हैं, ये झूल फोड़ने वाले लोग। पेश है बलिया से अखिलेश सैनी संघ नवल जी की खास रिपोर्ट।